नमस्कार, मैं रविश कुमार। किसानों के पक्ष में प्रदर्शन करना अब प्रशासन की मर्जी पर निर्भर करेगा। प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी तो प्रदर्शन नहीं होंगे। ऐसी बातें अब आम होती जा रही हैं, लेकिन भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये आप किसी भाषण में जब कुछ भी ना सूझ रहा हो तो आराम से 10 बार बोल सकते हैं। आज का दिन कृषि कानूनों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच सीधे टकराने के नाम रहा। दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने चले गए तो लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई ताकि वे किसानों से मिलने ना जा सकें। कन्नौज में ट्रैक्टर रैली होनी थी तो वहां तक ना पहुंच सके, इसके लिए लखनऊ स्थित अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस का ऐसा भारी बंदोबस्त कर दिया गया। अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में कहा है कि उनकी गाड़ियां जब्त कर ली गईं ताकि वे कन्नौज न जा सकें। लोकसभा अध्यक्ष से उन्होंने हस्तक्षेप की मांग की है ताकि वे लोकतांत्रिक दायित्व निभा सकें। आखिर अखिलेश ने सड़क पर आने का फैसला किया और बैरिकेड हटाकर मार्च करने लगे। पुलिस ने अखिलेश यादव और उनके समर्थक को बस में बिठा दिया। कुछ विधायकों के हिरासत में लिए जाने की खबरें भी आईं। समाजवादी पार्टी ने यूपी में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया था। कन्नौज में भी कई सपा नेताओं के धरपकड़ की खबर है। जिला प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। भारतीय जनता पार्टी सब कार्यक्रम कर रही है, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, उनके लिए कोविड नहीं है। लेकिन विपक्ष अगर किसान की आवाज उठाना चाहता है तो उसके लिए कोविड है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये भी जानना चाहता हूँ कि उन्होंने जनता से वादा किया था, किसानों के बीच ये बात रखी थी कि सरकार बनेगी तो उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आखिरकार आय दोगुनी का वो कानून कहाँ है? वो कानून कब भारतीय जनता पार्टी लाएगी जिससे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए? उत्तर प्रदेश में धान की लूट हो गई, किसी को 1000 रुपया और 1200 में नहीं खरीदा। मक्का पूरी तरीके से लूट ली गई, मक्का की कोई कीमत नहीं मिली। अभी भी किसानों का गन्ना का बकाया है और जो पैसा बढ़ाना चाहिए था किसान के गन्ने का वो भी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी किसानों के बीच जाकर समर्थन का ऐलान किया है। ट्विटर पर और बयानों के जरिए अब तक विपक्षी दल समर्थन कर रहे थे, लेकिन आज का दिन किसानों के लिए खुलकर सामने आने का रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सिंघू बॉर्डर गए। उन्होंने किसान आंदोलन को अपनी सरकार की तरफ से दी जा रही तमाम सुविधाओं का मुआयना किया और इस बात का विशेष तौर पर जिक्र किया कि उनकी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता सेवादार की तरह काम कर रहे हैं और विधायक जरनैल सिंह रात यहीं पर सो रहे हैं। आम आदमी पार्टी 8 तारीख के भारत बंद का समर्थन करेगी। केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे, लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। लेकिन हम लोगों ने भी अपनी आत्मा की आवाज सुनी। कई बार ऐसा होता है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी होती कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे, आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होती है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन भी शुक्रवार को ही किसानों के बीच जाकर मिल आए थे। ममता ने भी फोन से किसान नेताओं से बातें की थी। मेदिनीपुर की एक रैली में ममता बनर्जी धान की बाली हाथों में लेकर पहुंच गईं। उन्होंने कहा कि वे सिंगूर नहीं भूली हैं, किसानों को समर्थन देने का वादा करती हैं, बंद का समर्थन नहीं करेंगी लेकिन मांगों का समर्थन करेंगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, बहुजन समाज पार्टी ने भी 8 दिसंबर के भारत बंद का समर्थन कर दिया है। राहुल गांधी ने आज भी ट्वीट किया है कि अदानी अंबानी कृषि कानून रद्द करने होंगे और कुछ भी मंजूर नहीं। कांग्रेस पार्टी के पंजाब के सांसदों ने जंतर मंतर पर किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। पंजाब के सांसद शीतकालीन सत्र में किसानों के मुद्दों पर चर्चा भी चाहते हैं। देखिए, हमारी मांग बिल्कुल साफ है, हम ये चाहते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया जाना चाहिए,
संसद का शीतकालीन सत्र बुलाकर ये जो किसान विरोधी कानून है इनके ऊपर पुनर्विचार करके इनको वापस लिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। देखिए 1952 के बाद शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार शीतकालीन सत्र से भाग रही है। तो ट्विटर पर विपक्ष के नेता पहले से ही किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन उनके पक्ष में सड़क पर उतरने की कवायद होने में बहुत देर हो गई। सवाल यह होना चाहिए कि विपक्ष क्यों संकोच कर रहा था, लेकिन पूछा जा रहा है कि विपक्ष क्यों किसानों के पक्ष में उतर रहा है, करे क्या विपक्ष। गोदी मीडिया के दौर में यह सवाल तो पहले दिन से पूछा जा रहा था। किसानों को आतंकवादी बता दिया गया, खालिस्तानी बता दिया गया। विपक्ष के उतरते ही सरकार हमलावर हो गई। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने भी नए कृषि कानूनों के पक्ष में बयान देने शुरू कर दिए हैं। तो उनसे पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए और उन्होंने खुलकर कहा कि विपक्षी सरकारें जो चाहती थीं उसी को मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में एक विषय आपको बताना चाहते हैं और वो ये है कि इसका भी रिकमेंडेशन 2007 से 12 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कहां कहां मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा उस समय कांग्रेसी स्टेट था, आसाम उस समय कांग्रेसी स्टेट था, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका 2003 में कांग्रेस स्टेट था, महाराष्ट्र 2006 एनसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश 2003 दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा 2006 बीजेडी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना। तो इन सबों ने किसानों के लिए अधिक अवसर जुटाने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का निर्णय किया। हां, एक सज्जन और हैं जिनके बारे में मुझे कहना है, श्रीमान योगेंद्र यादव के बारे में। हां, 3 साल हमारी सरकार के पूरे हुए तो उनका स्वराज अभियान का ट्वीट देखिए, मोदी सरकार वॉशेज इट्स हैंड्स ऑफ एपीएमसी एक्ट, साइटिस एज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो उस समय अगर कहा गया कि एग्रीकल्चर मंडी एक्ट जो है वो राज्यों का विषय है, उनको सुधार करना है, करना चाहिए, तो ये कह रहे हैं आप क्यों नहीं करते हैं। तो जिस समय हम कर रहे हैं व्यापक चर्चा करके, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। जो नया कानून बना है तो इसको 23 नवंबर 2020 को क्षमा करें, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में नोटिफाई करके गजट करके इंप्लीमेंट कर दिया। देखिए मैं गजट लेकर बैठा हुआ, तो इधर आप विरोध कर रहे हैं, उधर आप गजट निकाल रहे हैं, ये तो उनका काम है। तो मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि यूपीए सरकार के 10 साल में किसानों के सुधार पर मोदी सरकार से बराबर नहीं, कई बार तो कहा कि हम पेनाल्टी लगाएंगे अगर आप सुधार नहीं करेंगे। तब शरद पवार जी ने पत्र लिखा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, प्लानिंग कमीशन ने पूरा विस्तृत पॉलिसी निर्देश दिया, उसको मालूम किया, कई कांग्रेस की सरकार ने इंप्लीमेंट किया, तो आप करें तो देश किसानों का कल्याण, हम उसको तरीके से करें बातचीत करके तो आप सड़कों पे आते हैं। ये हैं डबल स्टैंडर्ड्स, हम इसका जबरदस्त विरोध करते हैं। किसान कुछ निहित स्वार्थों के चंगुल में फंसा हुआ है। हम चाहते हैं देश के छोटे मझोले किसानों को अपने उत्पाद के लिए नए नए अवसर मिलने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर कोई सोचते हैं किसान, तो उनकी जमीन न तो बिकेगी, न बंधक होगी, न लीज पर ली जाएगी। उनके जमीन पर कोई देनदारी नहीं बनेगी, वो बनेगी तो फसल पर जो कंपनियां आएंगी। तो क्या योगेंद्र यादव के ट्वीट को देखकर भारत सरकार ने मंडी एक्ट में सुधार किया? योगेंद्र यादव और अन्य किसान नेता तो यही पूछ रहे हैं कि जो सुधार किया गया है उसके पहले किस किसान संगठन से पूछा गया? क्या योगेंद्र यादव के उस ट्वीट में वो सारी बातें भी हैं जो सरकार ने 3 कृषि कानूनों में कही हैं?
बीजेपी के लोगों का कुछ विशेष स्नेह है। रविशंकर प्रसाद जी ने मेरा नाम लेके बोला, अमित शाह जी ने मेरा नाम लेके शर्त लगाई कि योगेंद्र यादव वार्ता में नहीं आए, बाकी सब आए, बाकी पार्टियों के लोग आ सकते हैं लेकिन योगेंद्र यादव ना आए। कुछ विशेष प्यार है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने मेरा 3 साल पुराना हमारे संगठन का एक ट्वीट दिखाया है जो कहता है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि वो एपीएमसी में सुधार करेगी और अब कह रही है कि राज्य सरकारें कर लें। हम चाहते हैं एपीएमसी एक्ट में सुधार, लेकिन ये सुधार की बजाय बिगाड़ है। हम ये नहीं चाहते थे कि एपीएमसी को ही खत्म कर दिया जाए। आज भी मैं कहता हूँ कीजिए एपीएमसी में सुधार। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान मॉडल एक्ट बना था एपीएमसी में सुधार का, उसके अनुसार कीजिए ना सुधार, क्यों नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने शरद पवार की चिट्ठी का जिक्र किया कि उन्होंने भी एपीएमसी एक्ट में बदलाव के लिए बातचीत चलाई। इसके जवाब में एनसीपी ने कहा कि वाजपेयी सरकार ने 2003 में एपीएमसी मॉडल एक्ट बनाया था जिसे लेकर कई सरकारें आशंकित थी। उस पर आम सहमति बनाने के लिए कई राज्य सरकारों से 2010-11 में बातें की गई थीं, लेकिन बहुत सी सरकारें तैयार नहीं हुईं। मौजूदा सरकार को विपक्षी दलों और किसानों से बात करनी चाहिए, सारी आशंकाओं को दूर करना चाहिए। ये एनसीपी का जवाब है। अब हम नीति आयोग की 2 रिपोर्ट और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयानों के बारे में बताना चाहेंगे, जिससे पता चलेगा कि सरकार के भीतर भी मंडी और एपीएमसी खत्म करने की बातें हो रही थी। नीति आयोग ने अगस्त 2017 में 3 साल के लिए एक एक्शन प्लान लॉन्च किया था, जिसके 5वें अध्याय में लिखा है कि एपीएमसी एक्ट में सुधार लाया जाए और मंडी के अलावा भी दूसरों को किसानों से सीधे खरीदने का अधिकार दिया जाए। मंडी के अलावा भी ऐसा मार्केट खड़ा किया जाए जहां किसान अपनी फसल बेच सकें। अनिवार्य वस्तु अधिनियम में भी बदलाव कर निर्यातक, खाद्य प्रसंस्करण और रिटेल से जुड़े लोगों को स्टॉक लिमिट की सीमा से मुक्त कर दिया जाए। स्टॉक लिमिट से निर्यात में रुकावट पैदा होती है, यही इस बार के कानून में है। सरकार बताए कि फिर प्याज के निर्यात पर रोक लगाकर भारत के किसानों का लाखों रुपए का घाटा क्यों कराया गया। नवंबर 2018 में नीति आयोग एक और रिपोर्ट लॉन्च करता है, इसका नाम है स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। 2022-23 के नए भारत की रणनीति पर यह दस्तावेज तैयार था। इस रिपोर्ट को लॉन्च करते हैं तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि सरकार एमएसपी तय करने वाली संस्था कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस CACP खत्म कर दे, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर दे, इसे हटाकर मिनिमम रिजर्व प्राइस की व्यवस्था लाए, इसमें उपज की नीलामी होगी ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, प्राइवेट पार्टी को कैसे शामिल किया जाए इस पर सुझाव है। ये बताना रविशंकर प्रसाद भूल गए। नवंबर 2019 में ब्लूमबर्ग क्विंट के कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि एपीएमसी मंडी खत्म कर दी जानी चाहिए। इसी 20 मई को अमिताभ कांत का टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा लेख पढ़िए, वे उन सुधारों की वकालत करते हैं आक्रामक रूप से जिसे 5 जून के अध्यादेश के जरिए लाया गया। रविशंकर प्रसाद को योगेंद्र यादव का ट्वीट तो याद रहा, अपनी सरकार की इन रिपोर्ट और बयान का याद नहीं रहा। इससे तो यही जाहिर होता है कि नीति आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य के हटा देने की बात कर रहा है और वित्त मंत्री मंडी समाप्त करने की, लेकिन रविशंकर प्रसाद सिर्फ कांग्रेस सरकार के दिनों का उदाहरण पेश करने आए थे, जाहिर सी बात है। मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय जो प्लानिंग कमीशन का एक रिकमेंडेशन आया था वो मैं आपको जरा पढ़ना चाहता हूं। ये 12 से 17 के लिए और 11 में पॉलिसी ऑप्शन जो दिया गया प्लानिंग कमीशन का, तो ये प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट टाइटल रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मनमोहन सिंह के समय में जो अनुशंसा थी उसमें क्या लिखा हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट मे इनएक्ट इंटर स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स रेगुलेशन एक्ट अंडर एंट्री 42 ऑफ यूनियन लिस्ट। तो आज जो हमने काम किया, हमारे करने के 8-9 साल पहले मनमोहन जी की सरकार ये कर रही थी, 2005 में शरद पवार बोल रहे थे
और ये बात देश के सामने बताना जरूरी है कि जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी और बाकी सभी, शिवसेना साथ नहीं थी। तो आप तो हमसे भी आगे अधिक जा रहे थे। तो फिर मैं कहूंगा कि ये जो आपका दोहरा चरित्र है शर्मनाक, कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए भले ही किसान के नेता आपको नहीं बुलाते हों, लेकिन आप किसी भी सीमा में जाने को तैयार हैं। नीति आयोग ने बाकायदा रिपोर्ट दी है कि एमएसपी खत्म कर दी जाए। क्या अमिताभ कांत इस रिपोर्ट को लेकर सफाई देंगे? पहले भी कई मामलों में मोदी सरकार की तरफ से किसी कानून के बचाव में सत्ता में रहते हुए कांग्रेस की वही सोच, नीति या बयान को पेश किया गया है, लेकिन तब वही रविशंकर प्रसाद स्वर्गीय अरुण जेटली के राज्यसभा में दिए गए इस बयान को कैसे देखना चाहेंगे जो 6 दिसंबर 2012 को दिया गया था? आपकी जो तर्क है उसमें बुनियादी गलती है, और वो गलती ये है कि जब छोटे मिडलमैन निकलते हैं तो सुपर मिडलमैन उसमें शामिल हो जाता है, और उस सुपर मिडलमैन का नाम है वॉलमार्ट, कैरफोर, टेस्कोस। वो सबसे बड़ा मिडलमैन उसमें आता है, और इसका तर्क समझ लीजिए ये क्यों होता है। बाजार की अर्थव्यवस्था को समझ लीजिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। इन इंडिया 68% गोज टू द प्रोड्यूसर एंड 32% गोज इन रिटेल। इन इंग्लैंड एंड अमेरिका इट्स द फिगर इज द अदर वे राउंड, बिकॉज द स्मॉल मिडलमैन इज गॉन एंड अ सुपर मिडलमैन इज कमिंग। एंड द रीजन इज बोथ फॉर द सप्लायर एंड फॉर द कंज्यूमर इज अ सिंपल प्रिंसिपल, इज अ फ्रेगमेंटेड मार्केट बेटर और अ कंसोलिडेटेड मार्केट बेटर। तो आज इस देश की यह परिस्थिति नहीं कि हम एक कंसोलिडेटेड मार्केट क्रिएट कर दें। जब खरीददार, जब किसान इनको बेचने जाता है तो उसको बेचने के 50 साधन नहीं बचते। आरती का बचाव तो प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं, अब उन्हीं आरतियों को विलेन बनाया जा रहा है। 2016 में ई नाम योजना को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री बिचौलियों की भलाई की बात कर रहे थे, तब क्या कांग्रेस और मनमोहन सिंह की सरकार के बयान उनके सामने नहीं थे? ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत जो थोक व्यापारी हैं उनकी भी सुविधा बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, ये ऐसी योजना है जिससे उपभोक्ता को भी उतना ही फायदा होने वाला है। यानी ऐसी मार्केट व्यवस्था बहुत रेयर होती है कि जिसमें उपभोक्ता को भी फायदा हो, कंज्यूमर को भी फायदा हो। बिचौलिए जो बाजार व्यापार लेकर के बैठे हैं, माल लेते हैं और बेचते हैं, उनको भी फायदा हो और किसान को भी फायदा हो। 4 साल पहले बिचौलियों के भी फायदे सोचने वाली सरकार अचानक उन्हें खलनायक बताने लगी है। जीएसटी का विरोध नरेंद्र मोदी कर रहे थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब प्रधानमंत्री बने तो जीएसटी ले आए। कई बार लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नीतियां एक ही मोहल्ले के किराने की दुकान से खरीदकर लाई गई लगती हैं, कभी कभी उधार पर भी। कहने का मतलब है कि दोनों की आर्थिक नीतियां एक ही किताब से ली गई हैं। आप यह विशालकाय स्टोरेज देख रहे हैं, ये कटिहार के माइलवासा में बन रहे हैं। हमारे सहयोगी श्याम ने भेजी है इनकी तस्वीरें, अडानी ग्रुप की तरफ से बनाए जा रहे हैं। इसके बारे में जानकारी हमें 9 जून 2016 की इकोनॉमिक टाइम्स की खबर से मिली है, जो इस अखबार में पीटीआई के हवाले से छपी है। इस खबर के अनुसार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रुप से करार किया है 80 करोड़ की लागत से पंजाब और हरियाणा में 2 साइलोस बनाने का। इसमें जिक्र है जिसमें 75,000 टन गेहूं का भंडारण किया जा सकेगा। इस रिपोर्ट में लिखा है कि इसका स्वामित्व एफसीआई के पास रहेगा, लेकिन इसे बनाएगी, चलाएगी और रखरखाव करेगी अडानी ग्रुप की कंपनी। बदले में सरकार 30 साल तक किराए की गारंटी देगी। बिहार सरकार ही बता सकती है कि अडानी ग्रुप की एक कंपनी के तहत बन रहे भंडारण व्यवस्था का लाभ किसानों को कैसे मिलेगा।
जब वहां के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल रहा है तो भंडारण से कैसे मिलेगा, सरकार बता सकती है। लेकिन रविशंकर प्रसाद यह बताना नहीं भूले कि मार्च 2019 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में पेप्सी के प्लांट का उद्घाटन किया था। इन अंतर्विरोधों से किसानों का क्या भला हो रहा है? क्या इस आधार पर उन खिलाड़ियों, गायकों, साहित्यकारों को भी खारिज किया जा सकता है जो किसानों की मांग के समर्थन में अपने अपने पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर रहे हैं? कांग्रेस और बीजेपी ने क्या कहा? क्या इस आधार पर किसानों की मांग को खारिज किया जा सकता है? विमल मोहन ने बताया कि 3 बार ओलंपिक में हिस्सा ले चुके और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले करतार सिंह सहित 30 खिलाड़ियों ने अर्जुन पुरस्कार और पद्म पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है। ब्रिगेडियर हरचरण सिंह, दविंदर सिंह गर्चा, कर्नल बलबीर सिंह, सजन सिंह चीमा, सरोज बाला, रणधीर सिंह ढिल्लो ने किसानों का साथ देने का ऐलान किया है। 30 का हम आज लौटाएंगे और मेरे को इतने बड़े बड़े अभी जो आया है, ये बाबा बलविंदर सिंह जी 100 फुट के हैं, बगीचा सिंह जी 87 के आरस बल एशिया के गोल्ड, ये तो साथ हैं। ये जो मैं नई लिस्ट आ रही है, जो मेरे को कुछ अमेरिका में बैठे हैं वो सारे मुझे कह रहे हैं भाई हम भी आपके साथ हैं, हम तैयार हैं। कल तक अगर, कल जो बातचीत होने वाली 9 तारीख को, अगर वो आपके पक्ष में नहीं जाती है फिर क्या करेंगे? नहीं, फिर जो हमारे को हमारे बड़े किसान भाई कहेंगे उसके उनके साथ बैठे हैं, सारे हिंदुस्तान का किसान आ गया है। बीजेपी के सांसद हंसराज हंस को पंजाब के मोगा में घेर लिया गया। हंसराज हंस वहां बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर हो रहे एक विचार गोष्ठी में हिस्सा लेने गए थे, लेकिन जब किसान जत्थेबंदियों को उनके आने की सूचना मिली तो उन्होंने शहीदी पार्क में आयोजित समागम के बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर धरना लगा दिया। हंसराज हंस अपनी गाड़ी से उतरे और किसानों से बात भी की और कुछ समय बाद वह गाड़ी में बैठे और किसान अपना रोष समाप्त कर चले गए, जो पहले से ही मोगा में भाजपा के जिला प्रधान के घर के बाहर चल रहा था। मैं उन्होंने नाल ही बैठा, क्लाइमैक्स से देखियो कौन बैठा सी, वो कुछ लोग होंगे अपना बार बार गुत्था दिखाना चाहते टीवी, तो मैं उन्होंने नहीं गा, मैं डे वन तो जुड़ा हुआ और जिदन क्लाइमैक्स होया उधर किसान जत्थेबंदियां भी दसनगियां, सरकार भी दसेगी कि एक अदना जहा बंदा वो भी लगा हुआ सी। इस बीच धान की खरीद को लेकर सरकार ट्वीट कर बता रही है कि मंडी खत्म नहीं होगी क्योंकि इस बार सितंबर तक ही 20% ज्यादा पिछली बार की तुलना में खरीदी की गई है, पंजाब में सबसे अधिक खरीदी हुई है। तो सरकार को बताना चाहिए कि बाकी जगहों पर क्यों नहीं खरीद हुई। शरद शर्मा ने किसान नेता राजेंद्र आर्य से बात की। देखो ये थोड़ा सा सरकार एक इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा लालच देने की कोशिश है किसान को। अच्छा। अगर किसान इस लालच में आके फसल बाहर ले जाने लग गया, हाँ, मंडियां खाली हो जाएंगी, 2 साल बाद ऐसी परिस्थिति आएगी, मंडियां खंडर बन जाएंगी और मंडियों में कबूतर बोलने लगेंगे, जो एपीएमसी यार्ड है वो खत्म हो जाएंगे और एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी तो एफसीआई भी खत्म हो जाएगा। नहीं, पर मंडी क्यों खत्म हो जाएगी? मंडी इसलिए खत्म हो जाएगी जब मंडी में टैक्स है, हाँ, बाहर टैक्स नहीं है, हाँ, मंडी में जब किसान नहीं जाएगा तो मंडी में व्यापारी भी नहीं जाएगा, मंडियों में ताले लग जाएंगे। अब साधारण सी बात यह है, परिस्थिति ऐसी बनेगी जैसे नोटबंदी के बाद एकदम जियो आया, रिलायंस जियो आया, बहुत सस्ता आया, फ्री में आया और सभी लोगों ने आइडिया ने या टाटा डोकोमो ने, हाँ, पोर्ट करवा लिया, अपने सिम पोर्ट करवा लिए जियो में, हाँ, और जितनी देर में जो कंज्यूमर था वो जियो के साथ रहा, आइडिया, हाँ, का टाटा डोकोमो का कस्टमर बेस खत्म हो गया, उनको ताले लग गए, हाँ, जैसे ही उनको ताले लगे तो जियो ने प्लान 200 200 250 250 और 500 रुपए महंगे कर दिए। पहले फ्री में कर दिया, फिर 499 कर दिया, 399 कर दिया। अब कस्टमर जब चाह रहा था मैं वापस चला जाऊं, जियो बहुत महंगा हो गया है, फिर वो उन कंपनियों को ताले लग चुके थे जिनसे वो आए थे। इसी तरीके से जब फार्मर बाहर आ जाएगा तो मंडियां खंडर बन जाएंगी, एफसीआई खत्म हो जाएगा, मार्केटिंग बोर्ड खत्म हो जाएगा, एफसीआई का और मार्केटिंग बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनकी नौकरियां चली जाएंगी। ये जो ढांचा है, चौधरी छोटू राम ने जो मंडियां बनाई थी, हाँ, बड़े नेताओं ने, चौधरी देवीलाल भी किसान हितैषी रहे, चौधरी चरण सिंह भी किसान हितैषी रहे, उन्होंने मंडियां इसलिए बनाई थी
मंडी में जहां किसान की अनाज की ढेरी आती है उसमें सैकड़ों जो व्यापारी आए एकदम आए बोली देने के लिए आए। मंडियों का मतलब यही है, किसान की फसल की बोली हो और बाहर बोली नहीं हो पाएगी। जो हमारे कमीशन हयांट हैं चाहे लुधियाना में हैं चाहे पंजाब में हैं हरियाणा में हैं, हम किसान उनके पास जाते हैं 10-20, हमारे पंजाब में 5 किलोमीटर बाद मंडी है, पक्की सड़क है, मंडियों में माल बिकता है। जो ये धान की बात करते हैं पे 60,000 हमने खरीद लिया 1,00,000 करोड़ का जो दान है, वो अकेला पंजाब का नहीं था, उसमें हरियाणा भी आता है, यूपी भी आता है, बिहार तक, बंगाल तक दान जो पंजाब में आके बिका है, इसलिए जे वहां जाके फसल बड़ी है। तो आज सरकार हमलावर रही, 8 दिसंबर को भारत बंद है, 9 दिसंबर को किसानों से बातचीत होनी है। अगर सरकार का यही टोन अगले 2 दिन भी रहा तो बातचीत से क्या उम्मीद की जा सकती है, अंदाजा लगाया जा सकता है। किसान नेताओं ने भी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कल बैठकें हुई हैं, 2 बैठकें हुई हैं कल भी और आज भी हो चल रही है बैठक, पूरे देश लेवल के सभी संगठनों की जो सदस्य हैं वो कल की बैठक में आए थे, वो उसमें तय हो चुका है कि पूरा भारत 8 तारीख को बंद होगा। मुझे लग रहा है कि इसका असर पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा, पूरा भारत बंद होगा 8 तारीख को। ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सिख समुदाय के लोग और दूसरे भारतीय भी कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कारों की रैलियां निकाल रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में बन रहे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? सवाल मर्यादा और नैतिकता का है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्ता के किसी भी निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। शिलान्यास पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन जब देश की सबसे बड़ी अदालत सख्त होते हुए निर्माण पर रोक लगा दे तो क्या प्रधानमंत्री को शिलान्यास करना चाहिए? आखिर शिलान्यास तो निर्माण के लिए ही किया जाता है, इसलिए सवाल नैतिकता और मर्यादा का है कि क्या प्रधानमंत्री नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र द्वारा सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास योजना के बारे में भूमि उपयोग में बदलाव को अधिसूचित करने के फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। प्रस्तावित योजना की लागत 20,000 करोड़ बताई जाती है। 20 मार्च 2020 को इस मामले में अधिसूचना जारी की गई थी। आशीष भार्गव की रिपोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और एक बड़ी सुनवाई की, और इस सुनवाई में सीधे तौर पर यही सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए उन पर नाराजगी जाहिर की केंद्र सरकार पर, और कहा कि जब फैसला
लंबित है, फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, इतनी आक्रामक तरीके से, इतनी जल्दबाजी में आगे क्यों बढ़ रहे हैं? जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की ये बेंच है, उन्होंने कहा कि उम्मीद ये थी कि आप इतना आगे नहीं बढ़ेंगे, फैसले में हमने रोक नहीं लगाई इस वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये बड़ी टिप्पणियाँ थी। ये भी कहा कि एक पक्षकार को हमें ये लगा था कि आप यानी केंद्र सरकार एक विवेकी पक्षकार है, समझबूझ वाले पक्षकार है, पार्टी है, और वो अदालत का सम्मान करेंगे, लेकिन आपने ऐसा सम्मान नहीं किया, आपको इतना आगे नहीं जाना चाहिए था, आप कागजी कार्रवाई करिए, शिलान्यास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं कर सकते, कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते, पेड़ों को जो आप हटाने का काम कर रहे हैं, दूसरी जगह लगाने का, वो भी नहीं करेंगे। तो एक बड़ी टिप्पणी यहाँ पर थी, और सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट का वक्त दिया था सोलिसिटर को, हालांकि वो कल तक का वक्त मांग रहे थे, लेकिन 5 मिनट का वक्त दिया और कहा कि अगर आप ये भरोसा नहीं दिलाएंगे, केंद्र सरकार ये भरोसा नहीं दिलाएगी, तो अदालत ये आदेश जारी कर देगी। तो मुश्किल घड़ी थी, केंद्र सरकार को घुटने टेकने पड़े और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो सिर्फ शिलान्यास करेंगे और कागजी कार्रवाई जो भी है वो करेंगे, वो निर्माण कार्य या तोड़फोड़ वगैरह नहीं करेंगे। तो एक बड़ी यहाँ पर एक संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सवाल ये था कि लंबी चौड़ी एक सुनवाई हुई जिसमें दोनों पक्षों की सुप्रीम कोर्ट ने बात सुनी, कोरोना का काल है, वर्चुअल हियरिंग चल रही है, वर्चुअल हियरिंग में भी जो बड़े केसेस हैं, जो तत्काल जो अर्जेंट मामले हैं, उन्हीं की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, और ऐसे में इस मामले को एक अर्जेंट का मामला मानते हुए लगातार पूरे दिन तक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की सुप्रीम कोर्ट ने लंबी चौड़ी सुनवाई की है, और इसकी वैधता पर 5 नवंबर को ही अपना फैसला सुरक्षित रखा, और पीठ ने कहा था कि उनको जो तय करना है वो ये तय करना है कि क्या सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, जैसा चैलेंज किया गया है कि ये वैध नहीं है, कानूनी रूप से ये सही नहीं है, क्या ये वैध है या नहीं है, और क्या इस प्रोजेक्ट को आगे जारी रहने दिया जाए या ना रहने दिया जाए। ये एक बड़ा मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इस पर 5 नवंबर को लंबी चौड़ी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन इस फैसले का इंतज़ार किए बिना जब केंद्र सरकार इसे आगे बढ़ गई और प्रधानमंत्री का शिलान्यास का प्रोग्राम भी सामने आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अब वो वक्त आ गया है जहां पर दखल देना चाहिए, क्योंकि ये देश की न्यायपालिका है, देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और ऐसे फैसला आने से पहले अगर सरकार कोई इस तरीके का फैसले करती है जिसमें उसके ऊपर सवाल उठेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले सरकार शिलान्यास कर रही है, निर्माण कार्य कर रही है, तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या मायने रहेंगे। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही भी है कि एक बार आप ढांचा बना लेंगे, संरचना बदल देंगे, तो फिर उसको बहाल करना, स्थिति को बहाल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप उस हद तक ना बढ़ें जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इससे प्रभावित हो।